वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने जस्ट चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फिनिश किया है। अब मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगी। एंड डोंट वरी, चैप्टर नंबर 1 एंड 3 भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। उसको ही उन्होंने ब्रैकेट में दिया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलो पहले इंट्रो स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर हम सेकेंड देख रहे हैं, ओके। फोर्थ वन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखो सेमिस्टर 5th, वो आपको मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग लीगल ऑपरेशनल ओनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर बाय रीवैल्यूइंग असेट एंड लायबिलिटी। ओके, समझ में आया आपके? मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। ओके, सिंपल सी बात है, रीकंस्ट्रक्शन। री मतलब क्या? फिर से। कंस्ट्रक्ट करना मतलब फिर से बांधना। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो चॉइस है हमारे घर की, ओके। देखो, एक तो हमारा घर पुराना है, हम एक तो वो पुराने घर को ही अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़े से चेंजेस करेंगे हमारे फ्लैट सिस्टम में, मतलब नई फर्सी लगाएंगे, नया कलर देंगे, थोड़ा सा बेडरूम इनका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, ओके। अदरवाइज हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है कि पूरा हम उसको डिमोलिश करें और एक अच्छे से फिर से नई बिल्डिंग हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें। तो सेम कंपनी में भी ऐसे होता है। कंपनी में भी दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। सो दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें करना क्या है? तो इंटरनली हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि घर में हम इंटरनल चेंजेस करने वाले हैं, जिससे कि बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कंपनी भी क्या करने वाली है, अपनी जो कैपिटल है, जो लायबिलिटी है, जो असेट है, उसको रीवैल्यूड करने वाली है। जैसे कि कैपिटल उनका इक्विटी शेयर है, ₹100 फेस वैल्यू है, बट अब उन्हें क्या करना है कि ₹100 नहीं, थोड़ी कंपनी क्राइसिस में जा रही है, तो दे डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ ₹100 नाउ विल मेक इट ₹80, ठीक है। इससे ऑटोमेटिकली इंटरनल कैपिटल क्या होगा, कम होगा। प्रेफरेंस शेयर, जिसे पहले उन्होंने सपोज क्या कहते हैं ₹100, अगेन वही एग्जाम्पल लेंगे ₹100 में, लेकिन अब उन्हें ₹75 उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है। ऑफ कोर्स इसके लिए परमिशन लेनी होती है शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, बिकॉज ये अफेक्ट तो होने वाला है। लेकिन अब कंपनी मुश्किल में है और अब इस मुश्किल में से उन्हें बाहर निकलना है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसमें से अब उन्हें बाहर निकलना है। तो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग ऑल द कंपनी, उन्होंने क्या कहा कि हम थोड़े से कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, जिससे हमारी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। जो फिक्टिशियस असेट है, जिसका कोई फायदा नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ताकि हमारी बैलेंस शीट जो होगी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, ठीक है। अभी जो हमने ओवर वैल्यूड असेट बताया है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन हमने हमारी बैलेंस शीट बड़ी बताने के लिए हमने क्या किया, ये सब क्या कहते हैं हम लोग इसको, नकली हमने सब अमाउंट बताई है। अब हमें ट्रू वैल्यू बतानी है, और ट्रू वैल्यू बतानी है तो हमें कुछ इंटरनल चेंजेस करने होंगे, जैसे कि कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंशियल रिडक्शन, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, राइट ऑफ करने होंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे हम फोकस करेंगे, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसका भी डिफरेंस हमें समझना चाहिए, तो ही हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। सो लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहला डिफरेंस है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन डिफाइन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसे मैंने कहा कि आपको घर में अंदर के अंदर ही चेंजेस करने हैं, उसे पूरा डिमोलिश नहीं करना है, लिक्विडेट नहीं करना है, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी यही होता है, जो भी उनकी लायबिलिटी होती है, असेट होते हैं, वो फिर से रीवैल्यूड किए जाते हैं, उस पर लिक्विडेट नई कंपनी कोई फॉर्म नहीं होगी, बस वही कंपनी को थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे, अच्छे से न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें ट्रू वैल्यू दिखेगी, ओके। और वही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में
क्या होता है? इट्स अ रिकंस्ट्रक्ट व्हेन द एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट टू गिव द बर्थ टू न्यू कंपनी. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में टोटली पुरानी कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब बंद होती है, एंड न्यू कंपनी स्टार्ट होती है. हमने अभी सेमिस्टर फोर्थ में देखा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कैसे लिक्विडेट होती है, किसको पहले पेमेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस है वो इसमें होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में. ओके, नेक्स्ट दिया है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिड्यूस. ठीक है, हम सिर्फ कंपनी का जो कैपिटल है उसमें थोड़ी बहुत क्या करने वाले, चेंजेस करने वाले हैं, एंड लायबिलिटी में थोड़ी बहुत. लेकिन इसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नो रिडक्शन इन द कैपिटल. ठीक है, इंटरनल में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी बहुत कैपिटल रिड्यूस करने वाले. जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है जैसे डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, इनको हम क्या कहेंगे कि भैया प्लीज हमें थोड़ा वेव ऑफ दे दो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, और हमारी जो लायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम करो, हमारा जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम करो. ऑफकोर्स इसके लिए हमें मीटिंग लेना होती है. हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर होती है. इतना आसान नहीं होता है क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना, कैपिटल रिडक्शन करना. ठीक है, एक्सटर्नल में ऐसे कुछ भी नहीं होता है, पूरी की पूरी नई कंपनी नए फॉर्म में नए कैपिटल के साथ क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है. ओके, आई होप समझ में आ रहा है. इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोर्ट अप्रूवल इज मैंडेटरी. ऑफकोर्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम कैपिटल रिड्यूस करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू रिड्यूस करने वाले हैं, क्रेडिटर्स की अमाउंट रिड्यूस करने वाले हैं, एंड फॉर दैट ऑल वी नीड द परमिशन ऑफ कोर्ट. ठीक है, क्योंकि इतना आसानी नहीं है, हमें कोर्ट में हमें बताना पड़ेगा कि यस शेयर होल्डर आर रेडी, क्रेडिटर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रेडी, हमने उनको हमारे भरोसे में लिया है और अब वो रेडी है रिड्यूस करने के लिए अपना कैपिटल. एंड जब हम ये कोर्ट में प्रूव करेंगे, कोर्ट सेटिस्फाइड होगा, तब जाके कोर्ट क्या करेगा, अप्रूवल देगा. तो ऑफकोर्स इसके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है. लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं होता है. ऑफकोर्स प्रोसीजर होती है, ऐसे नहीं कि बिना प्रोसीजर के, लॉन्ग प्रोसीजर होती है. एंड ऑलरेडी वी हैव सीन इन सेमिस्टर फोर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, प्रोसीजर हमें लीगल फॉर्मल करनी होगी. ओके, लेकिन अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट विल सी इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देर इज अ न्यू नो कंपनी फॉर्म, देर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी. बट इन एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफकोर्स हमें असेट लाइबिलिटी जो ओल्ड कंपनी की है वो ट्रांसफर करनी होती है न्यू कंपनी को. ठीक है, नाउ विल सी द डेफिनेशन. अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो पिक्चर थोड़ा ध्यान से देखो. हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी कौन कौन से टाइप के कैपिटल इन्वेस्ट करती है. जैसे कि देखो 57% 100 में से 57 कैपिटल ये इक्विटी शेयर होल्डर से आया है. ठीक है, 15% ये लायबिलिटी डेप्ट है बाहर के, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और ये जो 7-8% में भी क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर्स होल्डर्स हो गए, कोई बैंक लोन होगा. ठीक है, तो ये मे भी ये सब क्या होगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है. लेकिन कंपनी के सीए ने अब उनको थोड़ी सी सजेशन दी है कि नहीं भाई, अब ये हमें कुछ तो, हम लॉस में जा रहे हैं तो हमें अब कुछ तो बदल करना होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में. ये दिखने के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन ये अच्छा नहीं है. देखो डेप्ट 15% है, 11% प्रेफरेंस शेयर है, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है. सो सी इन दोनों, इन सब की टोटल कितनी आएगी, 43%. तो 43% ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो हमें थोड़ा इनका प्रेशर क्या करना होगा, कम करना होगा. इक्विटी शेयर इंटरनल कैपिटल भी जो है वो भी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा. तो देखते हैं हमें क्या क्या करना होगा ये करने के लिए.
Now, features of internal reconstruction. Of course, there is no requirement of new company. The process of liquidation does not take place. Current structure of company is rebuilt. Jaise abhi maine kaha, hume changes karne padege kuch. It helps optimize the financial resources and adjust the excess capital. तो ये जो अभी के पिछले स्लाइड में आपको दिखा इतना बड़ा एक्सटर्नल लाइबिलिटी 43% है, हालांकि ये कंपनी के लिए बहुत नुकसानकार है, ओवर कैपिटलाइज हुआ है, 57% इक्विटी हो गई है. तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा कम करना है. मतलब सिंपल सा हम कहेंगे, अगर हम ओवर वेट हो गए तो हमें क्या करना है, थोड़ा रिड्यूस होना है ना, कि मोटे मोटे होते जाना है. ऑफकोर्स नॉट. तो हम अब ट्राई क्या करेंगे, रिड्यूस हम हो जाए. सो सेम कंपनी भी ये जो ओवर कैपिटलाइज दिख रहा है बैलेंस शीट में, अब उन्हें क्या करना है, रिड्यूस करना है. ओके okay? अब इसकी जरूरत क्यों है, द नीड ऑफ अल्टरेशन. तो पहली जरूरत है, देर इज एन ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी. देखो मतलब कुछ है ना, असेट एक्स्ट्रा अमाउंट बताइए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है हमें बताने की, ठीक है, लेकिन हमने ओवर वैल्यूड बताई है. जैसे फर्नीचर हमने खाली 30,000 बताई, हालांकि वो 5,000 की भी उसकी वैल्यू नहीं है, बट हम जबरदस्ती 30,000 बता रहे हैं, ठीक है. मतलब स्टार्टिंग में हमारी असेट हम ज्यादा बताने चाहते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ बैलेंस शीट में बताया है. लेकिन जब अब हम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं बाबा, ये जो हमने बताया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, ये सब कुछ क्या है, झूठा है, खोखला है. मतलब देखो, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन बाहर हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हालांकि जेब में पैसे है क्या, नहीं है. बस यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आया है कंपनी का, और अब उन्हें असली चेहरा पब्लिक को बताना है, ठीक है, और इसलिए उनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है. द कंपनी फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, इसलिए नीड है. रिडक्शन इन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ऑफकोर्स जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी इतनी सारी है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए तो हमारा टेंशन भी कम हो जाएगा. ओके, देन टू सेव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनफॉरसीन सर्कमटेंस. ऑफकोर्स इतना सारा हमने झूठ बताया है, ओवर वैल्यूएशन बताया है, कभी अंडर वैल्यूएशन बताया है, जबरदस्ती सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी बहुत सारी बताई है, तो अब इससे ऑफकोर्स कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा. तो प्रॉब्लम पहले ही हमें क्या करना है, वो प्रॉब्लम से सेव होना है, वो कंपनी को सेव करना है. ओके, नेक्स्ट, अब प्रोसेस क्या है, हमें क्या क्या करना होगा. तो ऑफ कोर्स पहले फिर से असेट रीस्टेट करने होगी, उसकी फेयर वैल्यू बतानी होगी, लायबिलिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस करनी होगी, क्रेडिटर्स के सामने जाके थोड़ा सा हाथ जोड़ के बोलना होगा कि थोड़ी सी लायबिलिटी कम करो, क्रेडिटर्स कम करो, थोड़ा डिस्काउंट दो, हम बहुत परेशानी में हैं, तो थोड़ी आप मदद कर लो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि थोड़ा सा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, जो 7% था वो उसको रिड्यूस करो, फेस वैल्यू थी उसको थोड़ा रिड्यूस करो. ओके, तो हम लायबिलिटी रीस्टेट करेंगे एंड बैलेंस शीट फिर ट्रू पिक्चर हम बताएंगे. ऑफकोर्स इसके लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने होंगे, ठीक है. इन दिस स्कीम ट्रेडिंग लॉस, फिक्टिशियस असेट, राइट ऑफ. ऑफकोर्स देखो, ये फिक्टिशियस असेट सिर्फ नाम के असेट होते हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, देन अंडरटेकिंग एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर फिक्टिशियस असेट. ये हमने सिखा है सेमिस्टर 4 में भी. तो ये जबरदस्ती हम क्यों हमारे बैलेंस शीट में असेट साइड बताएंगे और हमारी असेट साइड हेवी करेंगे. तो हम इसको क्या करेंगे ना, सब राइट ऑफ करेंगे. अंडरस्टूड. फिर क्लेम भी हम सेटल करेंगे, थोड़े डिबेंचर होल्डर भाई साहब को बोलेंगे थोड़ा कम करो, क्रेडिटर साहब को हम बोलेंगे कम करो. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रू पिक्चर बताए हम. अंडरस्टूड, अपनी असली चेहरा बताए. अब इसमें क्या क्या, ये एक्चुअली तुम्हें इतना से नहीं आएगा, ये जस्ट आप रीड करो, थोड़ा वीडियो पॉज करो कि हमें क्या क्या करना होगा. तो ऑफकोर्स अप्रूवल बाय आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, क्योंकि बाबा हम सबका शेयर होल्डर का कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर होल्डर का कम कर रहे हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास ही करना होगा. कोर्ट की परमिशन लेगी विदा, ये ऐसा नहीं मनमानी की हाँ चलो अब करते हैं. सो कोर्ट की परमिशन लेना होगी, ठीक है, रीपे करना होगा कुछ हमें डिपॉजिट,
क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई प्लीज हेल्प करो, अनाउंसमेंट करना होगी कि यस हमारी कंपनी कैपिटल रिडक्शन के थ्रू प्रोसेस से जा रही है, हमारी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट करना होगा क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा है। ओके, सो नाउ मेथड्स क्या क्या होगी, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे, ठीक है, मतलब जिसका फेस वैल्यू 100 है 85 करेंगे, ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े हम अल्टरेशन करेंगे, अल्टरेशन मतलब चेंजेस करेंगे, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट थोड़ा बहुत करेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेंगे। अब ये क्या है ना, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सिर्फ ये मेथड याद रखो, शॉर्ट नोट्स आ गई तो आपको लिखने में काम आएगा कि क्या क्या मेथड्स है, ठीक है। नाउ अब हमें अकाउंट बनाना होगा, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो अकाउंट ही ओपन करना पड़ते, लेजर ओपन करना पड़ते, जर्नल एंट्री पास करना होती, तो मेन फोकस सी फॉर्मेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इसको ही हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के जगह पे, वन सेकंड लेट मी चेंज द इंक, ओके, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो देखो अब अगर देखते होगे तो देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ किया, गुडविल राइट ऑफ किया, डिस्काउंट ऑन शेयर, ये भी हम इसको क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट, ये हमने शेयर किया, कम अंडर राइटिंग कमीशन हमने राइट ऑफ किया, फिर असेट अगर कुछ ज्यादा है तो उसको डिक्रीज वैल्यू बता दी, मतलब असली वैल्यू बता दी, ठीक है। हमने अगर पेमेंट किया रहेगा कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो पेमेंट की, तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, धीरे धीरे जो जो हमें काम की चीजें नहीं है उसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन देखो यहाँ पे हमने डिबेंचर रिड्यूस किया है, शेयर कैपिटल रिड्यूस किया है, बिल्स पेबल किया है, नाउ डेबिट कब लिखना है एंड क्रेडिट कब लिखना है, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल के वक्त समझाऊंगी। अभी से फॉर्मेट देखो कि इस तरीके से हमें क्या करना है, एक लेजर अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसे ही कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, आप दोनों में से कोई भी एक नाम लिखो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है, एंड डोंट वरी नहीं समझा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सो जल्दी मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।